आप वो सरेंडर कर दें और या फिर ये मुल्क छोड़ के चले जाएं। आप तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे? पाकिस्तान को कह रहे हैं चुप करके बैठो, शोर नहीं मचाओ, पैसे भी नहीं मिलेंगे और शोर मचाओगे तो मार भी खाओगे। तब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो 10वें 11वें नंबर पर थी। आजकल हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। फिलीपींस ने तो यहाँ तक बोला कि भाई हमको भारत से सीखना चाहिए किस तरह से चाइना की तरफ खड़ा होते हैं और किस तरह से चाइना को पुशबैक करते हैं, क्योंकि काश हमने भी वही पुशबैक किया होता। इस हुकूमत के ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर था कि ये इस किस्म के इकदाम किए जाएं, अगर वो ना करते तो IMF आपको पैसे ना देती। तो भारत के वजीर आजम मोदी साहब ने नो कह दिया है, यानी उन्होंने ये कहा है कि वो इस SCO में शामिल नहीं हो रहे। तो अब कर कुछ नहीं सकते, बिकॉज गवर्नमेंट ने ये कर दिया है और सबको देना पड़ेगा। अब आइए, मैं ये तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, इसके साथ महंगाई तो जाहिर है ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत की इकोनॉमी, भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर चर्चा की जा रही है, जहाँ पर ये बात की जा रही है कि किस प्रकार से भारत पिछले 8-10 सालों के अंदर जो है ना एक मजबूत पोजीशन पर पहुंचा है और आज वो चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट को लेकर जो है ना भारत काम करता है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल रही है और हर मामले में सक्सेसफुल रही है, और उस पर भी हम बात कर सकते हैं जो क्या क्या उसके पहलू थे, क्या क्या उसमें एलिमेंट्स हैं, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो, उसको हमने शुरुआत की थी प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में, उसको 2019 में फिर आगे लेकर गए, फिर हमने कैसे अपने जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ उनको कैसे बढ़ाया है। उससे पहले अच्छे चल रहे थे, परंतु एक 2010 से लेकर 2014 तक एक स्टैग्नेशन आ गया था, उसको हमने कैसे पार किया है, क्वाड में हम कैसे आए हैं 4 देशों के साथ मिलकर, और जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसे हमारे रिश्ते आगे बढ़े हैं, यूरोप के साथ कैसे हमारे रिश्ते आगे बढ़े हैं। तो ये तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव रही हैं, और उसमें एक सबसे मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भारत की कैपेसिटी कुछ करने के लिए वो बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आप देखिए, जब 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यभार संभाला था, जब उन्होंने ये अपना टेन्योर शुरू किया था, तो तब भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो 10वें 11वें नंबर पर थी। आजकल हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अब $4 trillion इस साल हमारी इकोनॉमी बन गई है, और ऐसा लगता है 2 साल में $1 trillion और ऐड हो जाएगा, तो मतलब हम $5 trillion इकोनॉमी बन जाएंगे और पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर हम इकोनॉमी वो आगे आ जाएंगे। और अगर हम इतना वो बनते हैं, अगर इकोनॉमी इतना आगे बढ़ती है, और जैसा कि लग रहा है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, UNDP हो, सभी यही कह रहे हैं, जो एक अगर पूरी दुनिया में देखा जाए, जो एक अंधेरा दिखाई देता है इकोनॉमिक उस पर नजरिए में, और भारत एक रे ऑफ होप है, और इसीलिए भारत के पास अगर कैपेसिटी बढ़ती है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए और देशों के साथ, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं, आपने देखा है G20 में हमने 2 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स किए थे, तो उनके साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अच्छी इकोनॉमी हमको बहुत ये फायदेमंद सिद्ध होती। लेकिन भारत के वजीर आजम की अपनी एक अहमियत है, अपनी एक जगह है, अपना एक स्टेटस है। याद रखिएगा, अगर वो किसी समिट में, किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे, तो उस समिट और उस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया जाएगा, दुनिया ये पूछेगी कि मोदी साहब क्यों नहीं SCO को अटेंड कर रहे, ये बात तो है ना अपनी जगह पर। तो खासतौर पर क्योंकि बाकी इसमें छोटे कंट्रीज हैं, जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ये सब जो तान वाले कंट्रीज हैं, इनकी तो उतनी अहमियत, उतना स्टेटस नहीं है ना जितना स्टेटस भारत का है और उसके प्रधानमंत्री, उसके वजीर आजम का है। तो क्या ये चाइना को धक्का देने के लिए, चाइना को एक और, एक तो पहले फ्लाइट्स बंद की गई, आपको पता है कि वो बहुत बड़ा एक डिच किया गया, मतलब डिच क्या किया गया, उनका फैसला था,
बंद तो चाइना ने की थी फ्लाइट्स कोविड के दौरान, अब तो ये चाइना को ये सोचना चाहिए था कि ऐसा काम क्यों करते हैं आप पहले अपनी तरफ से कोई एक ऐसा काम कर लेते हैं और उसके बाद आप रोते हैं कि फ्लाइट्स खोल दो, अब हमें ज़रूरत है, पहले हमने अपनी बड़ी नाक ऊँची करके फ़्लाइट्स बंद कर दी, अब हम चाहते हैं आप अपनी हमारी फ़्लाइट्स खोल दें। तो उनको इससे पहले चाइना को मोदी साहब ने फ़्लाइट्स पर भी नो कह चुके हैं। और जो शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो G20 में भी नहीं गए थे, तो भारत ने कोई सवाल ही नहीं उठाया। उसने कहा ठीक है, कोई बात ही नहीं हुई, नहीं गए ना सही। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मोदी साहब SCO में नहीं जा रहे। ठीक है, आप ये बात याद रखें कि जो SCO है उसका जो करता धरता सब कुछ देखने वाला, जो माई बाप यानी ये के जो देखने वाला, वो चाइना ही है, चीन ही है इसमें, रशिया भी इसमें शामिल है, बहुत से कंट्रीज शामिल हैं। 2017 में मेरा ख्याल पाकिस्तान और इंडिया शामिल हुए थे, तो उससे पहले तो चीन ही इसको देखता है। शंघाई देखे ना, इसका नाम क्या है, शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस है ये SCO, तो इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज पे टॉक की जाती है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल इश्यूज भी। तो रीजनल जितने भी इतने ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें सिक्योरिटी भी शामिल है, जिसमें पॉलिटिकल मैटर्स भी शामिल हैं और जिसके अंदर इकोनॉमी भी शामिल है, तो इसमें ये तमाम कंट्रीज़ के से रिलेटेड है ना, तमाम इश्यूज आपस में जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स उन पर भी डिस्कस किया जाता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर, सामरिक लेवल पर देयर इज अ ग्रेट मीटिंग ऑफ माइंड्स, जो दोनों देश हैं, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों की फंडामेंटल वैल्यूज सेम है, सो इनके एक तो वैल्यू सिस्टम्स दोनों देशों को साथ में लाते हैं, परंतु उसके अलावा हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो भी बहुत मिलते जुलते हैं। तो ये वाले जो हैं, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और जो अगर ऐसे चार्जेस अमेरिका लगाता है या कोई और देश लगाता है, तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहता है। जो आप अगर कह रहे हैं यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, आई थिंक माइनॉरिटीज आर वेरी हैप्पी हियर इन इंडिया। आप देखिए इलेक्शंस में वो करना, इफ देर आर सम प्रॉब्लम्स, तो हमारे यहाँ पर कोर्ट्स हैं, हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल वो ठीक है, एंड द कोर्ट्स आर अबव, यू नो, दे आर टोटली नॉन बायस्ड एंड इम्पार्शियल। तो इसीलिए अगर किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट्स आर ऑलवेज अवेलेबल, द लीगल एवेन्यूज आर ऑलवेज अवेलेबल, और देर आर मेनी अदर एजेंसीज ऑल्सो, जो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, माइनॉरिटीज हैं या और यू नो जिसे वो कहते हैं बैकस्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, या कोई प्रेस फ्रीडम्स नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये उनके आई थिंक देर इज अ सर्टन माइंडसेट इन द वेस्ट, सर्टन ऑर्गेनाइजेशन, सर्टन एजेंसीज। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने सुना है कि किस प्रकार से चर्चा की जा रही है मोदी सरकार को लेकर, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 2014 के अंदर भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, उस टाइम पर भारत की जो इकोनॉमी है वो 10वें-11वें नंबर पर आती थी, उसके बाद किस प्रकार से इकोनॉमी को लेकर काम किया गया, और आज भारत जो है ना $4 trillion की इकोनॉमी बन चुका है, और आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो है ना $5 trillion की इकोनॉमी बन जाएगा और तीसरे नंबर पर आ जाएगा दुनिया में। तो ये भी है, इसके अलावा भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा दुनिया भर के अंदर चर्चा की जाती है कि किस प्रकार से भारत जो है ना अपनी पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जो है ना अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है और किसी के सामने झुकता नहीं है। तो एक सफल फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो भारत की यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा SCO को लेकर बातचीत की जा रही है पाकिस्तान की मीडिया के अंदर कि किस प्रकार से जो है ना मोदी जी ने जो है ना एक तरीके से बायकॉट किया है SCO का, जिससे चाइना को भी एक मैसेज गया है कि अगर आप बॉर्डर पर टेंशन रखते हो तो फिर भारत आपके किसी भी समिट को जो है ना और आपको किसी भी प्रकार का महत्व नहीं देने वाला है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।